ईदगाह सहरा बाले मियां बहरामपुर में बुधवार को ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल फित्र की नमाज शहर के लगभग सभी मस्जिदों के अलावा ईदगाहों में अदा की गई। 30 दिन के रोजे के बाद रोजेदारों ने ईद की नमाज के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। पाक साफ होकर नए नए कपड़े धारण कर रोजेदारों ने ईदगाह की तरफ रुख किया। मंगलवार को चांद के दीदार के बाद बुधवार को ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने में के बाद मुल्क में अमन चैन कायम रहने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लग कर ईद की बधाइयाँ दी। ईदगाह हो या मस्जिद, हर और एक जैसा नज़ारा देखने को मिला। ईद उल फित्र की नमाज समय से अमनो अमन की दुआ के साथ संपन्न हुई। रोजा, नमाज, तरावी, सदकाए फितरा, जक़ात, नेक काम की रब की बारगाह में कबूलियत की दुआएं की गईं। लोगों ने ईदगाह के इमामों की तकरीरें ध्यान लगाकर सुनी। ईद की नमाज अदा कर ईदैन का खुतबा सुना। फिर शुरू हुई ईद मुबारक। ईद मुबारक की सदाएं चारों तरफ गूंजने लगीं। छोटे से लेकर बड़ों ने लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देनी शुरू कर दी। नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलकर हाथ मिलाया और ईद मुबारक बोला। किसी को ईदी के पैसे मिले तो किसी को तोहफे। ईदी पाने के बाद बच्चे बेहद खुश नजर आए। हर ईदगाह व मस्जिदों के पास मेले जैसा माहौल नजर आया। इस दौरान प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए नमाजियों ने कहा, गरीब बच्चों को तालीमी वजायत दिए जाते हैं और दीगर बहुत से ऐसे काम हैं जो इस्लामी बैतुल माल। और जब पकड़ लिया तो सुनो, किसी बच्ची में कुछ हुआ, किसी इलाके में कुछ हुआ, किसी इलाके में हजार फीसद बदलती रही। क्या किया मैंने कि रकम इस्लामी बैतुल माल में ला के जमा करे। जहानपुर में सन 1978 से कायम है, जो गरीब, बेवा, मिस्कीन, यतीम सबकी एक लंबे अरसे से मदद करता है। दुनिया में क्या फायदा हो, यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करना। हदीस में है, Allah.
السلام عليكم ورحمة الله. ربنا اهدنا في الدنيا حسنة ثم في الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم اغفر لنا एहसान अहमद आपको जो बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, जो दुआएं मांगी गई है वो किस लिए मांगी गई है? वो सबके लिए मांगी गई है, पूरे आवाम के लिए मांगी गई है कि खुशी खुशी मनाएंगे। ईद की नमाज जो है हर साल की तरह अदा की गई है और हम आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस शहर में, इस मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ हुई है और हर मज़हब के लोगों के लिए जो है दुआ खास ये हुई है कि जो है सबके दिलों को मोहब्बत में कायम हो जाए और जो है सब एक पूरे साल की जो है महीने में जो रमज़ान के रोज़े रहते हैं उसकी खैर बरकत जो पूरे इंसानियत के लिए हो और जो पूरी इंसानियत जो है चैन अमन से रहे। बस अस्सलामु अलैकुम, मैं तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और यहां बाले के मैदान तिवारीपुर एरिए में ईदगाह ईद की नमाज़ हो चुकी है और अब हम लोग ईद मनाने एक दूसरे के घर जाएंगे, वहां से मैया खाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, ईदी लेंगे और खुशियां मनाएंगे, बच्चों को अपना त्योहारियाँ देंगे और उनसे गले मिलेंगे और सलाम दुआ होता रहेगा और सारे लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां मनाएंगे। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर और खुश हैं। इसमें 30 रोज़ों को रख कर हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं ईद का, इससे हम देशवासियों को इसकी पूरी पूरी मुबारकबाद देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी इसकी मुबारकबाद देते हैं। मीज़ान हुसैन। हाँ, ईद की नमाज अदा हुई, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा गमी थी इसलिए कि फादर का जो है डेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मनाया गया, लेकिन अच्छा लगा सबको देख के, गले मिला गया। ठीक।